जैन, आज विनेश फोगाट का 8:30 बजे हियरिंग है सीएस कोर्ट में। सीएस कोर्ट क्या होता है पहले तो ये हम जान ले, और काम क्या करता है, और टीएएस, दो वर्ड है इसमें, सीएस और टीएएस, ठीक है। अगर हम इन दोनों को समझें तब हमें इस केस की पहलू समझ में आती है। सीएस खेल पंचायत है और ट्रिब्यूनल आर्बिट्रेट टू डिस्प्यूट्स है, जो 1984 में स्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय निकाय और खेल संबंधी विवादों को मध्यस्थता करता है और निपटाने का प्रयोजन करता है, ठीक है। ये सीएस का कार्य है, और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि विनेश ने बहुत ही मेहनत की है इस अचीवमेंट को लाने के लिए, और एज ए इंडियन, एज ए स्पोर्ट्समैन, एज ए कोच, मैं भी यही चाहता हूं कि उस बहन को उसकी मेहनत का फल मिले। लेकिन कुछ ये घटना देखकर कुछ डाउट मेरे को इसलिए हो रहा है कि कुछ कारण हैं जो मुझे आशंकित कर रहे हैं कि निर्णय उनके साथ जाएगा। नंबर एक, आप किसी भी टूर्नामेंट से पहले देखे होंगे, सभी लोग अधिकांशतः जो वीडियो देख रहे होंगे या तो स्पोर्ट्समैन होंगे या खेल प्रेमी होंगे। जब भी कोई स्पोर्ट्स हम लोग गांव लेवल में भी कराते हैं तो उसके रूल्स और रेगुलेशन हम लोग पहले बना लेते हैं। जब रूल्स और रेगुलेशन पहले बना लेते हैं तभी किसी गेम को आयोजन किया जाता है, ये बेसिक चीज है। उसमें भी रूल्स कभी चेंज नहीं हो कर सकते, रेगुलेशन चेंज हो जा सकते हैं, रूल्स आप चेंज नहीं कर सकते हैं, बट रेगुलेशन टाइम टू टाइम जो कमेटी है कर सकती है। बस यही डर मेरे को सताया जा रहा है कि जो रेसलिंग के नियम हैं, जो रूल्स हैं, वो विनेश को मेडल से वंचित कर सकते हैं। उनका जो रूल्स है कि आपको बाउट से पहले फर्स्ट दिन और लास्ट दिन, पहले ओलंपिक में केवल एक दिन में ही खत्म हो जाता था, लेकिन इस ओलंपिक में 2 दिन में बाउट खत्म, कंपटीशन खत्म हुआ है। तो उसमें भी रूल्स था इनका कि पहले दिन और लास्ट दिन वेट किया जाएगा। तो पहले दिन ये सेमीफाइनल तक गई हैं, वेट अपना क्लियर किया है, सेकेंड दिन इनका वेट 100 ग्राम बढ़ा है। तो इसमें गलती किसकी है और मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन जो रूल्स हैं वो कहते हैं कि आप अगर वेट में नहीं आ रहे, बात यहाँ 100 ग्राम की नहीं है, बात यहाँ रूल्स की है, जो मुझे भी भयभीत कर रही है, बात यहाँ रूल्स की है। सपोज मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं और आपके हाथ से बैटिंग के समय स्टंप टच हुआ, बेल्स गिर गई नीचे, तो क्या आप आउट नहीं होंगे? ये रूल्स कहता है आप आउट होंगे, इस लेवल पे आप आउट होंगे, तो आप उसमें एक्सक्यूज ये देंगे कि मैं जानबूझ के नहीं किया, मेरे से अचानक छू गया, मानवता के आधार पर कर सकते हैं, ये नहीं पॉसिबल है इस लेवल टूर्नामेंट में। दूसरा, सपोज अधिकांशतः जो भाई बहन है वो फुटबॉल से भी होंगे, इनसाइड डी अगर हाथ से बॉल लगती है तो आप क्या देते हैं? पेनल्टी स्ट्रोक, चाहे वो जानबूझ के करे या अनजाने में करे। तब क्या वहां पे ये आर्गुमेंट हो सकता है कि मेरा मेरा ध्यान कहीं और था, मैंने पकड़ लिया, या मेरे से अनजाने में हो गया? नहीं, ये संभव नहीं है। बस यही डर है कि कहीं सीएस कोर्ट जो है इसी पे आधार पे निर्णय ना दे और बहन का मेडल छिन जाए। एक जो और सबसे बड़ा कारण जो मुझे दिख सुन समझ में आ रहा है एज ए स्पोर्ट्समैन, कि उन्होंने सिल्वर मेडल अलाउंस कर दिया है और डिस्ट्रीब्यूट तक कर दिया है, तो जो सिल्वर मेडल जिसने पाया है
क्या वो मेडल डिस्ट्रीब्यूट करेगी इनके साथ, विनेश के साथ? संभव है? नहीं संभव। अगर ये फैसला विनेश के साथ जाता है तो जो बच्ची ऑलरेडी पहले जिसको आपने मेडल दिया है वो भी कोर्ट जाएगी, लंबा खींच सकता है। लेकिन एज ए इंडियन, एज ए कोच और उस बच्ची की मेहनत देख के बस भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि उसको मिल जाए। बट रूल्स आर रूल्स, उसमें कोई चेंज अभी तक नहीं हुए हैं। तो भावनाएं हमारे उनके साथ हैं और चाहते भी हैं कि उस बच्ची को मिले। लेकिन अगर आप किसी टूर्नामेंट के बीच में आप रूल्स चेंज करेंगे तो भी वो संभव नहीं है, अच्छा नहीं है इन फ्यूचर पार्टिसिपेंट्स के लिए, अच्छा नहीं है। इससे पहले सीएस ने कई उदाहरण दिए हैं, लेकिन जब मैंने उनको रीड किया, जब मैंने उनको पढ़ा, तो उसमें एम्पायर्स के लेवल पे कमियां थी, रूल्स के लेवल में कमियां नहीं थी, ये ध्यान रखिएगा। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि इससे पहले भी हुआ था, हाँ हुआ है, सीएस ने फैसला दिया है, उनको मेडल मिले हैं, लेकिन वो एम्पायर्स के लेवल पे गलतियां हैं, रूल्स के लेवल पे गलतियां नहीं है वो। तो इन सब बातों का भी ध्यान रखिए, और हम यही चाहते हैं कि उस बहन को मिले, उस बेटी को मिले, वो भारत की बेटी है, बहुत मेहनत किया उस बेचारी ने और मिलना भी चाहिए, लेकिन एज ए कोच मुझे नहीं लगता। बाकी आपकी क्या राय है इसको जरूर बताइएगा, और अगर मैं कहीं गलत हूँ तो जरूर लिखिएगा। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।